नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका टॉटर्स एट वर्क पे। और आज की कहानी का शीर्षक है सूरज चंदा साथ साथ। इस कहानी के लेखक है संजीव जयसवाल और इसका चित्रांकन किया है इरशाद कप्तान ने। चलिए आइए सुनते हैं आज की कहानी। सूरज और चंदा दो भाई, दोनों कई कई दिनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। सूरज जब रात में घर लौटता तब चंदा घूमने जा चुका होता। चंदा सुबह जब घर लौटता तब तक सूरज घूमने जा चुका होता। एक दिन चंदा ने कहा, भैया मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, चलो आज हम दोनों साथ साथ घूमने चलें। नहीं भाई, हमारा तुम्हारा काम अलग अलग है, साथ चलने से गड़बड़ हो जाएगी, सूरज ने समझाया। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, चंदा रूठ गया। मेरे अच्छे भाई गुस्सा मत हो, सूरज ने चंदा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर हंसते हुए बोला, चलो आज तुम्हारे साथ ही दुनिया घूमते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो चंदा खुश हो गया। दोनों ने बादलों के संग लुका छुपी खेली, बहुत मजा आया। समुद्र में डुबकी लगाई, बहुत मजा आया। पहाड़ों पर दौड़ लगाई, बहुत मजा आया। जब मन भर गया तब चंदा बोला, भैया अब चलो दुनिया वालों को देखा जाए वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तुम इधर से चलो मैं उधर से चलता हूँ, सूरज ने कहा। सूरज पहुंचा मास्टर जी के घर, वे समझे सुबह हो गई है, फटाफट स्कूल चल दिए। चंदा पहुंचा बच्चों के घर, वे समझे अभी रात है, सब सोते ही रहे। स्कूल में मास्टर जी से खूब गुस्सा हुए। भैया यह तो गड़बड़ हो गई, चंदा ने कहा। हाँ भाई, सूरज ने कुछ सोचा फिर बोला, चलो हम दोनों एक ही घर में चलते हैं। दोनों एक घर में पहुंचे। सूरज ने दादी के कमरे में झांका, वह समझी सुबह हो गई, झटपट उठ गई। चंदा ने मम्मी के कमरे में झांका, वह समझी अभी रात है, सोती ही रही। दादी खूब गुस्सा हुई। भैया यहाँ भी गड़बड़ हो गई, चंदा बोला। हाँ भाई, सूरज ने खूब सोचा फिर बोला, आओ अब आगे आगे मैं चलता हूँ, तुम पीछे पीछे। सूरज पहुंचा भोला हलवाई के घर, वह समझा सुबह हो गई है, झट से दुकान खोल दी। थोड़ी देर में चंदा भी वहां पहुंच गया, भोला समझा रात हो गई है, वे वहीं सो गया। बच्चे उसकी मिठाई खा गए। सेठानी खूब गुस्सा हुई, भैया देखो यहाँ भी गड़बड़ हो गई, चंदा परेशान हो उठा। हाँ भाई, सूरज ने खूब सोचा फिर बोला, चलो हम दोनों लोग एक साथ चलते हैं। दोनों पहुंचे खेल के मैदान में, बच्चे समझे अभी दिन है, वे खेलते ही रहे। गोलकीपर समझा रात हो गई, वे वहीं सो गया। दूसरे बच्चे ने गोल कर दिया, कैप्टन खूब गुस्सा हुआ, भैया ये तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, चंदा परेशान हो गया। हाँ भाई, लगता है हम दोनों को अलग अलग ही दुनिया घूमनी पड़ेगी, सूरज बहुत उदास हो गया, उसे आज चंदा के साथ घूमने में बहुत मजा आया था। लेकिन भैया मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता, चंदा बोला। मैं भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता, सूरज भी बोला। लेकिन हम साथ साथ रहें तो पूरी दुनिया में गड़बड़ हो जाएगी, चंदा चिंतित हो उठा। वह तो है, सूरज भी परेशान हो उठा। सूरज ने खूब सोचा फिर बोला, एक उपाय है। क्या क्या, चंदा ने पूछा। हम दोनों थोड़ा जल्दी घर लौटा करेंगे, सुबह जब मैं घूमने निकलूं तब तुम मुझे देखना, और शाम को जब मैं घूमने निकला करूंगा तब आप मुझे देखा करेंगे, चंदा खुशी से उछल पड़ा। तब से दोनों थोड़ा जल्दी घर लौट आते हैं। सुबह जब सूरज घूमने निकलता है तो चंदा उसे दूर से देखता रहता है। शाम को जब चंदा निकलता है तब सूरज दूर से उसे टाटा करता है।